हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज लेंथ ऑफ द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई आवर एंड इन 1 आवर। ठीक है बच्चों, तो 1 आवर के अंदर हमें क्या करना है कि कितना एरिया स्वेप्ट होगा। तो यहाँ पे ये यह हमारा आवर एंड है, ठीक है, और इसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या निकालना है, की कंसेप्ट। की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे थीटा कितना होगा, तो 1 घंटे के अंदर ये हमारी 12 आवर्स के अंदर ये हमारी जो क्लॉक होती है ये पूरा रोटेट कर जाती है 360 डिग्री। सो एंगल एंगल स्वेप्ट, एंगल स्वेप्ट इन एन आवर। ठीक है बच्चों, तो एंगल स्वेप्ट इन एन आवर, तो 360 डिग्री के अंदर जब 12 आवर्स के अंदर टोटल 360 डिग्री स्वेप्ट हो जाता है एंगल, तो डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो 1 आवर के अंदर जो हमारा एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा एंगल आ गया 30 डिग्री। तो अब एंगल की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और हमें वैल्यू गिवन है, तो एरिया इज इक्वल्स टू एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 22 डिवाइडेड बाय 7। आर कितनी है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। वैल्यू ऑफ एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल एंगल हमारा कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12। 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। 12 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में जो एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू, तो एरिया इज इक्वल टू हमारे पास में 77 डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 77 के अंदर 6 का जब हम डिवाइड लगाएंगे, तो 77 के अंदर 6 का डिवाइड लगाएंगे तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 1 बज गया 17। फिर उसके बाद में हमारे पास में 2 टाइम्स जाएगा, 5 बज जाएगा 50, पॉइंट लगा देंगे 50। 50 के अंदर 8 टाइम्स जाएगा, फिर बज गया 2, 2 के अंदर 23 टाइम्स चला जाएगा, तो 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।